back to my channel Commerce Minded. Today is day 17 of our 20-day series. Okay, मैंने अपनी last video में आपको बताया था कि किस तरीके से हम net profit before working capital changes निकालते हैं. मैं फिर से revise करवा देती हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया था, net profit निकाला था, सारे appropriation को add करके और minus करके जो भी था हमारा, जो मैंने आपको उस video में समझाया था. उसके बाद मैंने क्या किया था, जितने भी मेरे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, वेदर इट्स एन एक्सपेंस और इनकम्स, उनको नलिफाई करने के लिए ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था. अब मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. अब इस नेट प्रॉफिट में भैया वर्किंग कैपिटल के भी चेंजेस होने जरूरी है. और वर्किंग कैपिटल क्या होता है हमारा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ओके जी, तो इसमें किस तरीके से करेंगे. अब हमारे पास बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर से दी हुएगी, ठीक है जी. अगर मेरा करंट एसेट, लेट्स से मेरा डेटर है, डेटर्स मेरे पहले 10 थे, अब 5 हो गए, ठीक है, इन लैक्स ले लो, ठीक है, 10 थे और 5 हो गए, इसका मतलब है मेरे डेटर्स रिड्यूस हुए हैं. तो मैं ये अमाउंट, 5 रुपए का जो अमाउंट है 5 लाख, वो मैं कर दूंगी एड, ठीक है. जो भी अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो एड, और अगर इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटीज तो भी एड, एंड वाइस वर्सा लेस कर देंगे. अगर इंक्रीज करंट एसेट्स हैं तो लेस कर दो, और डिक्रीज करंट लायबिलिटीज है तो लेस कर दो. करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं लेस कर दो, डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड कर दो. वही करंट लायबिलिटीज में उल्टा, अगर यहाँ पे डिक्रीज है तो इंक्रीज है, डिक्रीज है तो इंक्रीज है. इस तरीके से आप ये चीज लर्न कर सकते हो. एरो ऊपर है करंट लायबिलिटीज में तो एरो नीचे होना चाहिए, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज लेस के केस में. तो लास्ट में अगर मेरा अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव आता है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, तो मेरा हो जाएगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अगर मेरा नेगेटिव आता है कि भैया नेगेटिव में मेरा बैलेंस आ रहा है, कि मतलब माइनस में मेरा कैलकुलेशन आ रही है, तो हो जाएगा कैश कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्यों भाई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है, मतलब मेरा नेगेटिव का बैलेंस है, मतलब एक्स्ट्रा कैश लग गया है वहां पे, ठीक है जी. यूज मतलब ज्यादा पैसा, मतलब नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है मेरा, तो इसका मतलब है कि जो मेरा नेगेटिव बैलेंस आया है, नेगेटिव अमाउंट आया है, दैट विल बी कॉल्ड एज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और अगर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो दैट्स ऑल फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इतना ही था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि किस तरीके से मैंने क्यों नेट प्रॉफिट निकाला, उसके बाद क्यों चेंजेस करे, एंड फाइनली मैंने वर्किंग कैपिटल में भी चेंजेस करे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ एडजस्टमेंट शेयर करूंगी जो हमारी आगे आने वाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी या फिर फाइनेंसिंग में आएगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज गाइस. Please support me by sharing and subscribing my channel. Thank you so much.